हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में, और मैं हूं विशोक सिंह। आज की वीडियो में हम यहां पे डिस्कस करेंगे 2019 का जो पेपर हुआ था जुलाई में, और उसमें जो आपके फ्री हैंड स्केच आए थे, फ्री हैंड स्केच ड्राइंग जो आती है बनाने के लिए, वो 20 नंबर की ड्राइंग रहती है, और उसमें जो पूछा जाता है वो कैसे बनाया जाए, फ्री हैंड स्केच की जो ड्राइंग होती है उसको हम कैसे बनाएं। तो अगर हम क्वेश्चन पहले का देखें तो ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इन चार में से किन्हीं दो को आपको बनाना है। तो चार आपको दिए हैं, पहला दिया हुआ स्क्राइबर, दूसरा दिया हुआ टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल, और तीसरा दिया हुआ सिंगल कट फ्लैट फाइल, और चौथा दिया है इनसाइड कैलीपर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, स्क्राइबर हुआ या सिंगल कट फाइल हुई या टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल है या इनसाइड कैलीपर है, ये लगभग मोस्टली हर साल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इन चार में से दो कोई हर बार आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको बनाना सीख गए, इनमें से कोई सा भी चेंज कर दें, जैसे कि एक बार किसी में हैमर दे दें, है ना, या फिर कुछ और दे दें, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इनसे कुछ बाहर नहीं जाता है फ्री हैंड स्केच में, तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक का ए स्क्राइबर को हम ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें स्क्राइबर को ड्रॉ करना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, और बड़े सिंपल और आराम से इसको हम बनाना सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं, बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो वहाँ आपको हमारी वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, पाएंगे कि यहाँ पे हम क्या स्क्राइबर बनाना जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है स्क्राइबर बनाना, और स्क्राइबर अब हम देखते हैं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखें, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, और आपको करना ये है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, और ये हमने 20 mm की लाइन को 30 mm की लाइन को ड्रॉ किया, और बीच में हमें क्या छोड़ना है, कम से कम 15 से 20 mm की छोड़ देनी है। और हमें फिर ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 mm यानी 40 mm की और ले ली, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें आप गैप दे देंगे 10 mm का, गैप दे देंगे 10 से 15 mm का, चलो 10 mm का हमने यहाँ पर गैप दे दिया। स्टेप बाई स्टेप देखते रहेंगे और बड़े आराम से यहाँ पे हम बनाना सीख जाएंगे। तो पूरा देखें वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ बना करके 20 mm की ये लाइन को ड्रॉ किया, देन यहाँ पे छोड़ दिया 20 mm बीच में, और ये देखिए ये 40 mm, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है इसको दोनों को यहाँ पर मिला दीजिए ऐसे, और ऐसे ही यहाँ पे मिलाएंगे, एंड इसके बाद यहाँ इसको इधर और इधर भी आप ऐसे इसको यहाँ मिला देंगे। देन अब इसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ से देखें, यहाँ से हल्का हल्का 45 एंगल यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए इधर से और यहाँ से इधर कर देंगे 45 एंगल से इस तरीके से, देन इसके बाद यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद कॉर्नर यहाँ पे बनाना है, ये तरीके से इसको ड्रॉ करना है ऐसे। अब यहाँ से आपको मिड में लेना है, और यहाँ से 20 mm हाइट ले लेते हैं इसकी, मिड में लेना है बिल्कुल, ये देखिए 20 mm हाइट लिया, और अब क्या करना है इसको यहाँ से देखेंगे, ये देखिए इसको ये, और इधर से भी आप करेंगे ऐसे, तो ये देखिए। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हल्का सा इतना, और इतना लेने के बाद इस तरीके से यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो बड़े आसानी से इसको बड़े धीरे धीरे आप बनाएंगे,
बहुत बेहतरीन तरीके से ले जाना है आपको, और यहाँ से ये, और अब आपको यहाँ पे इसकी ये बैंड वाली जो है आपकी, ऐसे देखेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको, और यहाँ से यहाँ इसको घुमा देना है तरीके से। हमने स्क्राइबर को ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो ग्रिप वो बनानी है आपको, तो ये देखिए ग्रिपिंग करना है आपको, तो इस तरीके से इसको, इसको ग्रिप कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये स्क्राइबर बन गया है, कितना बेहतरीन बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें इसके जो पॉइंट हैं वो लिखने हैं, तो पॉइंट को बड़े एरो एरो से बना करके आप लिखेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से, और जितना आप इफ़ेक्टिव लिखेंगे और लिखावट जितनी अच्छी होगी आपकी, उतना ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें एरो बना करके लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेंथ पॉइंट, ये हो जाता है आपका, यानी स्ट्रेंथ और पॉइंट, ठीक है, ये स्ट्रेंथ पॉइंट हो जाता है आपका। देन ये वाला आपका ग्रिप हो जाता है, तो ये आप यहाँ पे ग्रिप लिख देंगे, और बड़े अच्छे से आप चीज़ों को बनाएंगे, जितना अच्छे से इफ़ेक्टिव ड्राइंग आपकी बनेगी उतनी ही आपकी मार्किंग अच्छी होगी, है ना। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे ग्रिप, और ये वाला थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग कर दें ताकि ये डार्क दिखे, ठीक है। तो ये स्क्राइबर हो गया। अब हमें दूसरी पॉइंट पे बनाना है आपका फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक लेंथ लेनी है, तो चलिए हम लेंथ ले लेते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से 2 से और आपका 10 से ले ली, 8 mm यहाँ पर ले लिया, 20 mm की इसकी हमने चौड़ाई ले ली। ये देखिए यहाँ से 20 mm की इसकी हमने चौड़ाई ले ली थी, और अब इसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी थी, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पॉइंट जो आपका होता है, ये जिसे बोलते हैं आप क्या, टिप या पॉइंट, तो यहाँ पे आपको टिप बनानी है, और टिप बनाने के लिए आपको ये पैरेलल रखना है इधर, और ये देखिए ये टिप हो गई इसकी फाइल की, और ये एज ले लीजिए इसकी, तो यहाँ से हमने देखो ये एज ले ली। अब बाकी इतना आपने कर लिया, अब इसके बाद आपको यहाँ से बड़ी सावधानी से थोड़ा सा इसको ये वाला शोल्डर बनाना होता है, तो शोल्डर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, इस तरीके से इसको यहाँ पे इसको यहाँ इस तरीके से लाना है, ये कर लिया। देन अब इसको यहाँ पे इसके इस तरीके से इसको कर लो, ठीक है, ये कर लिया। देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से लेना है इसको, ये फेरुल बनाना है आपको, क्या बनाना है, फेरुल, इस तरीके से यहाँ पे सीधी सी लाइन को ड्रॉ करना है, और ये देखिए, और अब यहाँ पे इस तरीके से फिर घुमा देना है, ठीक, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ये सिंगल लाइन रखनी है, ठीक है। और अब यहाँ से आपको हैंडल ड्रॉ करना है, इस तरीके से इसका हैंडल ड्रॉ हो गया,
बड़े आराम से इसको जो है ड्रॉ करना है आपको। अब आपको सिंगल कट दे देनी है इसमें, तो यहाँ से सिंगल कट दे से ये दे दीजिए सिंगल कट इसके। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से हमने फाइल को ड्रॉ कर दिया है, तो ये फाइल आपकी हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा डार्क घुमा दिया है, ये कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बेहतरीन मार्क्स आपको मिलने वाले हैं ड्राइंग में। तो ये देखिए आपकी फाइल कंप्लीटली फाइल आपकी ड्रॉ हो गई, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेट करना है, तो बेहतरीन तरीके से इसको सेट कर दीजिए ऐसे, ताकि आपके मार्क्स और ज़्यादा अच्छे मिल जाएं आपको। और दूसरी चीज़ आपको ये जो मेन पॉइंट होते हैं इसके, वो पॉइंट भी लिखने हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका ये फाइल की हाइट हो गया आती है आपकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ फाइल। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी ये क्या फाइल की लेंथ, ठीक है, ये आपका टिप और पॉइंट हो जाता है। तो ये आपकी टिप और पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका एज हो जाता है ये वाला भाग। ठीक है, देन इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट हील हो जाता है जो बीच में खाली छूटा हुआ है, इसको हील लिख दीजिए। क्योंकि जितने आप इनके पॉइंट लिख देंगे उतने ही मार्किंग आपको अच्छी मिलेगी। तो ये आपका हील हो गया, ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पे ये शोल्डर हो जाता है, यहाँ से आप शोल्डर ले लेंगे ये। तो ये शोल्डर हो गया, शोल्डर हो गया। ऊपर आप यहाँ पे फेरू लिख देते हैं ये, तो यहाँ पे आप फेरू लिख दीजिए। ये देखिए ये वाला जो आप स्टील का जो चढ़ा हुआ होता है इसको फेरू कहते हैं, तो यहाँ पे आप फेरू लिख दीजिए। ये आपका हैंडल हो गया, तो इसको आप हैंडल लिख दीजिए। ठीक, ये आपका हैंडल हो गया। देन अब यहाँ एक ये इस तरीके से लाइन बनी होती है, और इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको टैंग बोलते हैं। तो ये वाला जो भाग है आपका ये टैंग हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, टैंग लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हम फ्री हैंड स्केच को ड्रॉ करते हैं, और बेहतरीन तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। और अगर इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे मान के चलिए अगर 20 नंबर के हैं ये दोनों, या 10 नंबर के हैं तो आपके 8 नंबर नहीं कहीं गए, और अगर 20 नंबर हैं तो कम से कम 15 से 18 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर ड्राइंग बनाएंगे तो आप ऐसे मान के चलिए कि नंबर आपके बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।